तो ये देखिए ऊपर जो रोड दिख रही है ना, तो ऊपर जो मेन रोड है वहाँ से हम लोग यहाँ नीचे आए हुए हैं कैंपिंग के लिए। और व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू हो गया है, बारिश हो रही है। तो गाड़ी हम लोगों ने यहीं पे खड़ा किया है, आज भी हम लोग कार कैंपिंग करेंगे। ये थोड़ा सेटअप वगैरह करने जा रहे हैं और मैं तब तक आप लोग को थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ, नज़ारे दिखा देती हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारे हैं। आप देखिए वो जो सामने दिख रहा है बादल से घिरा हुआ, वो है मुक्तेश्वर। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बादल नीचे आ रखा है, तो वहाँ पर धमाकेदार बारिश हो रही होगी एकदम बढ़िया। और बारिश तो खैर यहाँ भी हो रही है, पूरी रोड देखिए गीली हो गई है, शिवराज छाता लगाया हुआ है। तो ये देखिए ये टेंट लगाने जा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने कैंपिंग किया था, हमने पिंक कलर का लगाया था, तो क्या वाटरप्रूफ नहीं था, तो काफ़ी पानी है ना नीचे आ रहे थे, जिससे दिक्कत बहुत हो रही थी। तो अब ये ब्लैक वाली लगा रहे हैं, ये अच्छा है, वाटरप्रूफ है, बढ़िया है। ये हमारा टेंट पिच हो गया है, शेल्टर गाड़ी के लिए। और देखने में अजीब जरूर है मगर ठीक है। आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप नज़ारा हमारे टेंट के नीचे से। टेंट क्या है, ट्रैप शेल्टर है। ये लोकेशन हमारी जहाँ हम कैंपिंग कर रहे हैं, ये हरतोला रोड पे पड़ती है, थोड़ा ऑफ रोड है मेन रोड से हट करके, और बेहतरीन लोकेशन है। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करने लायक हो इसमें तो ज़रूर सजेस्ट करिएगा। बाकी ये जो पन्नी है ये काफ़ी हैवी है, इस वजह से थोड़ा टाइट नहीं हो पाई है ढंग से। ये देखिए शिवराज बाबू शुरू हो गए अपना लेके। और मैं यहाँ पे देखिए सूजी भिगोने जा रही हूँ, क्योंकि जो हम सूजी का मतलब जो चीज़ बनाने वाले हैं स्नैक्स, उसको खुलने में समय लगेगा, इसलिए मैं सूजी को पहले भिगो दे रही हूँ। क्या वहाँ से क्यों तो क्या रो, गुस्सा हो, हंसने में भी प्रॉब्लम है। खुलने में आधा घंटा चाहिए समय, तो इसीलिए फिर मैं इसको पहले ही भिगो देती हूँ। तो बस अब जा रहे हैं हम लोग फटाफट अपना बेड सेटअप करने। तो आज हम लोग बेड नहीं बनाएंगे, सोफ़ा बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा सोफ़ा के बनने के बाद कैसा लुक आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है मेरे को तो, क्योंकि हम मतलब जगह जगह पे जाते रहते हैं, तो क्या नए नए लोकेशन मिलता रहता है। पर शायद ये लोकेशन मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है, एकदम बेस्ट है। यहाँ से व्यू बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हैं खुद कितना बढ़िया व्यू है। क्योंकि सोना वगैरह होता नहीं है, बस बैठना होता है, तो सोफ़ा ठीक है, सोफ़ा ही रहेगा। तो देखिए सोफ़ा हम लोग का बन गया है, अब फटाफट जा रहे हैं हम इसके ऊपर गद्दा बिछा दे रहे हैं। ये रहा हमारा बैग,
ट्रंकेट का, जिसको आप लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, इसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है, आप उसमें जाकर के इसे देख लीजिएगा। तो ये रहा शिवराज, क्या हाल है शिवराज? भैया देख लीजिए, हम लोग का जो है सोफा बन गया है। आज मैंने पिलो वगैरह भी लेकर आई हूँ, उस समय तो हम सब भूल गए, इतनी बारिश हो रही थी, बारिश में ही निकले थे, भूल गए, पर आज पूरा दिमाग ध्यान था गया लेके चलना है, तो हम लोगों ने देखिए बिछाने के लिए भी ले लिया है, और ये अपना पिलो ले लिया है। सिराज मेरे फेवरेट पिलो है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर बढ़े और आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो देख सकें। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है सब्सक्रिप्शन से, नहीं तो ऐसा लगता है इतनी मेहनत करो और फिर कोई देख ही नहीं रहा। भागने भागने। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। रेसिपी देख लेंगे तो आप लोग नाश्ते में बना सकते हैं, इसको डिनर में भी खा सकते हैं शाम वाले नाश्ते में। बाकी इसकी डिटेल्ड अगर रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग पूनम की रसोई चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये देखिए ये है अप्पे पैन, तो हमें इसी पे इडली बनाना है। और मैंने इस कढ़ाई में पानी रख दिया है करीब आधा लीटर के आसपास है, तो मैं इसको गैस ऑन कर देती हूँ पानी इतना उबल जाए। तो ये देखिए ये है सूजी, तो हम सूजी को भिगो दिए थे, हो गया होगा आधा घंटा तो हो गया होगा ना, तो ये फूल गई है। अब इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा और बैटर इसका अच्छा कर देंगे, क्योंकि थिक बैटर चाहिए होगी, पतली बैटर नहीं चाहिए होगी इसके लिए। वैसे ये रेसिपी हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ज़्यादातर हम बनाते ही हैं इसे नाश्ते में, बहुत जल्दी बन भी जाती है और ज़्यादा सामान भी नहीं लगता बनाने में, और सुबह के नाश्ते में शाम के चाय के समय भी आप इसको आराम से बना सकते हैं, फटाफट बन जाता है। हम तो इस रेसिपी के इतने दीवाने हैं कि हम डिनर में भी इसको खा लेते हैं। और सभी लोग पसंद करते हैं इसको ना, बच्चे से लेकर के एडल्ट हों चाहे बूढ़े लोग हों, सबको ईजी टू डाइजेस्ट भी होता है और अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हमें थिक बैटर चाहिए होगी इसके लिए, आपको पतला नहीं करना है, ठीक रखना है बैटर को। अब हम इसमें नमक और इनो ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा फ्लफी बनेगा। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, ये रही इनो, फ्रूट इनो है, कोई भी इनो आप ले सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे, इनो डालने के बाद इन सभी चीज़ों को मिला लेंगे, और जब भी आप मिलाइए तो एक ही डायरेक्शन में मिलाइए, इससे क्या होता है जो एयर बबल बनते हैं ना वो बने रहते हैं, और जो भी चीज़ें आप बनाते हैं तो बहुत ही फ्लफी और बढ़िया बनता है। और ये देखिए इनो डालने के बाद ये कितना मतलब लाइट हो गया, एकदम बढ़िया हो गया है। तो अब हम चलते हैं फटाफट अपना अप्पे बना लेने।
पानी भी बॉयल हो गया है, पानी भी उबालने लग आ गई है। इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा करके एक एक चम्मच तिल में डालते चले जाएंगे। तो ये देखिए सभी सांचे जो है एकदम कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे इस तरह से। टैप करने के बाद अब हम इसको रख देते हैं। ये करीब 6 से 7 मिनट लगेंगे जो हमारा अप्पे है बनकर तैयार हो जाएगा। इडली अप्पे भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अप्पे इडली, इडली अप्पे कुछ भी। ये हम लोगों का यहाँ पे किचन का सामान फैला रखे हैं। जब तक किचन का सेल्फ यहाँ पे किचन की व्यवस्था नहीं होती इसमें सेटअप, तब तक थोड़ी प्रॉब्लम तो है। सब कुछ ठीक है पर यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है, उसकी वजह से क्या है जो गैस प्रॉपर लग नहीं पा रही है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। ये देखिए मैंने स्पून इसके अंदर डाला इस तरह से फोक को, और देखिए एकदम ये क्लियर है, कुछ भी नहीं लगा है, एकदम परफेक्ट है। तो इसे हम 1-1.5 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, मतलब थोड़ा सा ठंडा कर ले, 30 सेकंड भी सही हो जाएगा। तो हम क्या है निकाल लेंगे, इसे इजीली निकल जाएगा। गर्मा गर्म थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हल्का सा वो कठुआ जाता है कह लो या फिर सेट हो जाता है तो अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि अगर अभी गर्म गर्म में निकाल देंगे ना तो ये क्या है नीचे कुछ लग जाएंगे, मतलब टूट अभी बहुत सॉफ्ट रहता है गर्म में। शिवराज के मुँह में तो पानी आ रहा है कि माँ जल्दी से दे दे मुझे खाने के लिए। क्यों शिवराज, भूख लगी है, खाओगे? कितना खाओगे? 1, 2, 3, 4, 5 सारा खा जाओ। फिर से बोलो, फिर से करो। 1, 2, 3, 4 4 खाएगा ये। अब ये ठंडा हो गया, मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में, एकदम मजेदार। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट, कितना फ्लफी बना हुआ है। तो इसी तरह से बाकी को भी बना लेते हैं। वो सामने की लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं एक बार वहाँ जा करके देखता हूँ वहाँ से कैसा व्यू दिख रहा है। अगर लोकेशन अच्छी हुई तो फ्यूचर में कभी आएंगे यहाँ पे और टेंट पिच करके यहाँ पे कैंपिंग करेंगे मस्त। ये पेड़ देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, वाह। ये आप देख रहे हैं जगह जगह पे ऐसे गड्ढे खुदे हुए हैं यहाँ पे ढाल पे। ये होता है कि बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए, इससे क्या होता है बारिश का पानी जो भी ये आता है तो इसमें रुक जाता है गड्ढों में, और ये काफ़ी दिन तक जो है इसके वजह से नीचे नमी रहती है अंदर, तो जो पेड़ पौधे हैं उनको नमी मिलती रहती है हमेशा। ये सब पहाड़ों की टेक्नोलॉजी है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये फाइनली मैं आ गया यहाँ पे एकदम कॉर्नर पे। लोकेशन तो अच्छी है बट कैंप पिच करने लायक तो नहीं है। शहरों में ये नज़ारा कभी भी देखने को मिल नहीं सकता। इतना सुकून, इतनी शांति और प्रकृति के इतने करीब सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों में ही आप रह सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी है, काफ़ी मेहनत है, यहाँ के लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। पहाड़ों में रहना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। शहरों में जीवन थोड़ा
आसान हो जाता है, सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, मगर पहाड़ों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। यहाँ पे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए भी 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाते हैं। पानी की भी है यहाँ दिक्कत, क्योंकि पानी है नहीं पहाड़ों में, तो नदियों से पानी पंप करके ऊपर लाया जाता है और फिर सबके घरों पे सप्लाई होती है, जो कि बहुत ही लिमिटेड है, सीमित मात्रा में पानी मिलता है। तो लोकेशन मैंने देख ली है, क्योंकि ये जगह मुझे थोड़ी सी ठीक ठाक लगी है। अगर अकेले कैंपिंग करनी हो तो कर सकते हैं दोस्तों के साथ, बाकी फैमिली के साथ तो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि पूरा स्लोप पे है। तो काफ़ी देर हो गई है, अब मैं जाता हूँ वापस ऊपर। ओ देखिए उतनी ऊपर मुझे चढ़ के जाना है, अभी चलते हैं। लो भैया, ये दूसरी बैच की भी हमारी जो इडली अप्पे बन के तैयार हो गई है, और इसे निकालना भी बहुत आसान है। देखिए इस तरह से नाइफ से चारों तरफ किनारों को इस तरह से कर दीजिए, घुमा दीजिए थोड़ा, और आराम से ये निकल जाएगा। तो हमने सारे इडली मतलब जो अप्पे है उसको बना लिया है, और ये पैन हमने रख दिया है और ये गर्म हो गया है। इसमें हम फटाफट डालेंगे सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, आप इसे घी में भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे शुद्ध सरसों का तेल दे रही हूँ। यहाँ मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी राई मतलब मस्टर्ड सीड, और फ्लेम को एकदम धीमा कर देती हूँ। ये गया 1 चम्मच मस्टर्ड सीड राई, और ये देखिए करी पत्ता और हरी मिर्च है, तो करी पत्ता आप जरूर डालिए, तो इससे अच्छा फ्लेवर आता है। होता है ऐसा, बच के डालिएगा नहीं तो मेरे जैसा हालत खराब हो जाएगी। कहाँ ऊपर जाओगे बेटा? हाँ? कहाँ जाओ जाओ, देखिए कैसे जाओगे, जाओ। अभी इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर कूटी हुई, ये देखिए 1 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। अब इसमें ये जाएगा, देख रहे हैं, ये है निलॉन्स की शेजवान चटनी। तो ये किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, इससे फ्लेवर जो टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और नॉर्मली बस इसी मसालों में इसको बना सकते हैं, पर मैं इसमें डाल रही हूँ, इसे थोड़ा सा तीखा चटपटा हो जाएगा, स्पाइसी हो जाएगा ये। ये अप्पे डाल दूंगी सारा इसमें, अब बहुत ही आराम से ना आपको इसमें मिक्स कर लेना है। कितना बेहतरीन लग रहा, कलरफुल, और फ्लेम को धीमा ही रखना है आपको। वाओ टेस्टी, कितनी अच्छी आ रही है ना। 3 बज गए और सुबह से अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, बस नाश्ता करते हैं घर से, सिर्फ चाय और क्या था चाय के साथ, मैगी थोड़ी सी, वो भी थी एक मैगी में 3 लोग खाए थे, फिर मुर मुझे भी तो बनाए थे मैंने, 2 मुट्ठी लइया से क्या पेट भरता है। ये रही हम लोग की स्पाइसी इडली अप्पे, ये रहे मेरे सिवाज का सिंपल सा एकदम प्लेन। अब मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, इससे थोड़ा सा जो इसका टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, मज़ा आ जाता है खा कर एकदम। तो भाई हमारे जो इडली है बन गया है, अब हम जा रहे हैं फटाफट चाय रखने, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है, 3 बज गया है। देख रहे हैं इसको कहाँ चढ़ा हुआ है इतना ऊपर, गिरेगा तो क्या होगा इसका, मगर जो कुछ भी है बैकग्राउंड बहुत बेहतरीन लग रहा है बेटा। आराम से उसको पकड़ के उतरना, एकदम आराम से आना, पकड़ के। हाँ देखिए कैसे कैसे उतरता है ये, तो हो गया खुराफाती।
ये देखिए, ये जंगल में मुझे दो औषधियाँ मिली हैं तो ये जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ओरिगेनो है, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। पता है पर इसकी जो खुशबू है ना एकदम ओरिगेनो जैसा ही लग रहा है। ये ओरिगेनो ही है। और ये देखिए है थाइम्स, ये थाइम्स है। एक बार आप लोग देख लीजिए तो कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही हूँ इसमें, ये वाकई में ओरिगेनो और थाइम्स ही है ना। कैसा लग रहा? बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ रहा है, गजब का नजारा है। ये देखिए मस्त, मैं लॉन्च पे अपने लेटा हूँ। एक बेड सेटअप, चाहे बेड बना लो, चाहे लॉन्ज बना लो, चाहे सोफा बना लो, चाहे सोफा बना लो उसे, चाहे सब कुछ हटा करके नॉर्मल अपना आप फाइव सीटर इसका बना लिए। आनंद है, आराम से सुकून से लेटो, खाओ, चाय पियो। वो वीडियो पसंद आएगी लोगों को तो लोग लाइक जरूर करेंगे। कुछ लोग होते हैं वीडियो देखते देखते भुला जाते हैं, उसकी भावनाओं में बह जाते हैं कि लाइक नहीं करते, तो लाइक कर लीजिए आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नई कैंपिंग में, किसी नई कहानी के साथ, किसी नई लोकेशन पे। ये देखिए क्या बेहतरीन नजारा है। तुम्हें कैसा लग रहा है?